दोस्तों, प्यार भरा नमस्कार। मैं पूजा उपाध्याय स्वागत कर रही हूँ फिर से नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज है जन्माष्टमी और आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं मेरे और मेरे परिवार की तरफ से। आप हमेशा खुश रहे, साथ रहे और ऐसी जन्माष्टमी का त्यौहार मनाते रहिए। तो दोस्तों, मैंने भी अपने घर में कृष्ण जी की स्थापना कर रखी है, मैं आपको दिखाती हूँ आज। और मैं कितनी प्यारी सी मूर्ति लाई हूँ, और आज मेरे घर में कीर्तन है जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में, तो आपको वो भी दिखाऊंगी। और बने रहिए आप वीडियो पे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना, और बने रहिए आप वीडियो पे। इस तरह से मैं लाई हूँ कान्हा जी की फ़ोटो अपने पास। ये देखो, राधा कृष्णा, बहुत सुंदर सा इनका पहनावा श्रृंगार कर रखा है मैंने, और उनके लिए पंजीरी बना रखी है और अखंड दिया जला रखा है आज मैंने। दोस्तों, आप देख सकते हो कादम्बरी की फूलों की माला बनाई है मैंने कृष्ण जी के लिए, बहुत सुंदर सा। और बाकी मोर पंख और आप मंदिर मेरा। कल तक मम्मी लोग थे मेरे दोस्तों, उनका मन हो रहा था कि मैं कीर्तन कराऊं, लेकिन कुछ हुआ नहीं था। अचानक से मेरा प्लान बना और आज मैंने कुछ इस तरह से, आप देख सकते हो, मैंने मंदिर सजा रखा है। अभी आधा ही हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है। और ये लाई हूँ मैं कान्हा जी को झूला झुलाने के लिए, उनके लिए पालकी लाई हूँ। दोस्तों, ये हैं हमारे कृष्ण राधा जी, इन्हीं की कृपा है दोस्तों। पता नहीं अपने आप ही हो गया मेरा, मैंने तो कुछ सोचा भी नहीं था। तो अचानक ही मेरा प्रोग्राम बना है अभी 2 घंटे पहले, और अचानक से ही मेरा सब भागा भाग भागा भाग काम चल रहा है। तो देखो, आप बने रहिए वीडियो पे। बाकी कृष्ण जी की कृपा आप सभी पे बने रहे, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं सब, उनके घर में सब खुशहाल रहे, सब स्वस्थ रहे। Oh, God.
जो मेरा